हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप सभी? आई होप यू ऑल आर फिट एंड फाइन। तो बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं, हमारा डेफिनेशंस का टॉपिक चल रहा है। कल आपने अलंकार और वर्ण के बारे में स्टडी की थी, तो उसी को कंटिन्यू करते हुए आज हम ग्राम की डेफिनेशन करेंगे, ठीक है, जो कि आपके सिलेबस में है। अब सबसे पहले ग्राम होता क्या है? ग्राम शब्द के साथ भारतीय संगीत की परंपरा जुड़ी हुई है। संगीत पारिजात में पंडित अहोबल जी लिखते हैं कि स्वरों का एक समूह ही ग्राम कहलाता है, मीन्स कि जितने भी स्वर हैं उनका पूरा समूह ग्राम कहलाता है। दामोदर पंडित जी रचित संगीत दर्पण में कहा गया है कि दामोदर पंडित जी हुए हैं, उनका संगीत दर्पण हुआ है, उनमें उन्होंने बताया है ग्राम स्वरों के ऐसे समूह को कहते हैं जो मूर्छना का आश्रय हैं तथा जिसके आधार पर मूर्छनाओं की रचना होती है। कहने का उनका तात्पर्य यह है कि ग्राम स्वरों के ऐसे समूह होते हैं जो मूर्छना के ऊपर आश्रित होते हैं और जिसके आधार पर मूर्छना की रचना भी होती है। अतः ग्राम निश्चित श्रुति अंतर पर स्थित स्वरों का समुदाय होता है जिससे मूर्छनाओं की रचना होती है। मीन्स कि कुछ निश्चित श्रुति अंतर होते हैं और उनके अंदर जो स्थित स्वरों का समुदाय होता है और जिससे रचना होती है मूर्छना की, ठीक है, तो इसीलिए इनको हम ग्राम कहते हैं। मतंग मुनि ग्राम की परिभाषा में लिखते हैं, श्रुति और स्वरों के समूह से ग्राम की स्थापना होती है। ग्राम शब्द समूहवाची है। यह वादी संवादी स्वरों का एक ऐसा समूह है जिसमें श्रुतियां व्यवस्थित रूप से विद्यमान रहती है तथा यह मूर्छना तान आदि का आश्रय होता है। कहने का मतलब ये है, वादी संवादी स्वर आप पढ़ चुके हैं, ऐसे स्वरों का समूह होता है जिसमें श्रुतियां अपने व्यवस्थित रूप में रहती हैं और इसके साथ साथ यह मूर्छना तान आदि का आश्रय भी होती है, इसीलिए इनको हम ग्राम कहते हैं। गंधार ग्राम को नारद मुनि जी ने स्वर्गवासी ग्राम भी बताया है। कहने का मतलब ये है, जिस प्रकार विभिन्न परिवारों के रहने से एक गांव बनता है, उसी प्रकार ग्राम में श्रुति और स्वर का परिवार रहता है। समझ में आई बच्चों? कहने का मतलब ये है, जैसे गांव हम किसको कहते हैं, जहाँ पर बहुत से लोग अपने परिवारों के साथ रहते हैं, इसी तरीके से ग्राम में श्रुति और स्वर का जो परिवार होता है उससे ग्राम बनता है और उसको हम ग्राम की भाषा में ही लेते हैं। ग्राम जो होते हैं तीन प्रकार के होते हैं। प्राचीन ग्रंथों में आपने जैसे पढ़ा है षडज ग्राम, मध्यम ग्राम व गांधार ग्राम, ठीक है। अभी जैसे मैंने बताया, आजकल जो आधुनिक युग है, आधुनिक काल में षडज ग्राम और मध्यम ग्राम प्रचलित है। गांधार ग्राम प्राचीन काल में भी विलुप्त हो चुका था, इसीलिए नारद मुनि जी ने इनको गांधार ग्राम को स्वर्गवासी बताया है, ठीक है। इसमें सबसे पहले आ जाता है षडज ग्राम। षडज ग्राम में स्वरों में श्रुतियों का अंतर इस प्रकार होता है। कैसे? षडज ग्राम सा से प्रारंभ होता है, मीन्स कि इसका जो मुख्य स्वर है वो सा होता है। निम्नलिखित ये आपको श्लोक दिया हुआ है, इसके अनुसार स्वरों की स्थापना करने से षडज ग्राम प्राप्त होता है। मतलब इस श्लोक में जिस तरीके से स्वरों को बताया गया है, स्वर विदित है, उससे षडज ग्राम की उत्पत्ति होती है के बारे में पता चलता है। क्या है श्लोक? जैसा कि आप देख रहे हैं, चतुश्चतुश्च एव षडज मध्यम पंचमा दवई दवई निषाद गांधारो त्रिस्त्री ऋषभ दैवतो। ये आपको दोहा है। इस दोहे का मतलब ये है, सा मा पा की चार चार श्रुतियाँ होती है, रे और धा की तीन तीन श्रुतियाँ तथा ग और नी की दो दो श्रुतियाँ मानी जाती हैं। प्राचीन काल में प्रत्येक स्वर अपनी अंतिम श्रुति पर आते थे। षडज ग्राम में स्वरों की स्थिति इस प्रकार है। ये देखो, आपको एक साइकिल दिखाई हुई है, एक चक्कर सा डायग्राम दिखाया हुआ है, इसमें आपको षडज ग्राम में जो स्वरों की स्थिति है वो दिखाई गई है।
इसके बाद षडज ग्राम के स्वरों को ध्यान से देखने पर जब आप इसको देखेंगे तो आपको ये पता चलता है कि रे गा और धा नी में केवल दो दो श्रुतियों का ही अंतर है। अर्थात कहने का मतलब ये है, गा स्वर रे के अधिक निकट है और नी स्वर धा के अधिक निकट है। आधुनिक मान्यता के अनुसार इस ग्राम में गा और नी स्वर कोमल है, अतः ये हमारे आधुनिक काफी थाट के समान आते हैं। सेकंड आपका आ जाता है मध्यम ग्राम। मध्यम ग्राम माँ से प्रारंभ होता है, मध्यम का मतलब माँ से प्रारंभ होता है, और मध्यम ग्राम में पंचम स्वर को षडज ग्राम की तुलना में एक श्रुति नीचे उतार देते हैं, अर्थात पंचम स्वर 17 के स्थान पर 16 श्रुति पर आ जाता है। मध्यम ग्राम में शेष स्वरों की श्रुतियों में अन्य कोई अंतर नहीं होता है। मा स्वर से प्रारंभ होता है तो इसका मुख्य स्वर भी मध्यम है। इस ग्राम के 7 स्वर 4, 7, 9, 13, 16, 20, 22 श्रुतियों पर क्रम अनुसार स्थित होते हैं। मध्यम ग्राम की स्वर स्थापना देखने पर पता चलता है कि मध्यम ग्राम का पंचम 16वीं श्रुति पर स्थित रहता है, जिसे मध्यम ग्राम कहते हैं, जैसे मैंने अभी आपको पहले बताया। इससे यानी षडज ग्राम के स्वरों में केवल पंचम स्वर को एक श्रुति कम करने पर ही मध्यम ग्राम प्राप्त हुआ है। मध्यम ग्राम का नाम मध्यम ग्राम इस कारण पड़ा क्योंकि मध्यम ग्राम में मध्यम स्वर प्रधान स्वर होता है और मध्यम ग्राम का प्रारंभ भी मध्यम स्वर से ही होता है, इसीलिए इसको हम मध्यम ग्राम कहते हैं। मीन्स मा पा धा नी सा रे गा, ये 7 स्वर निम्नलिखित श्रुतियों पर स्थित रहते हैं, तो माँ से शुरू हो रहा है तो इसलिए मध्यम ग्राम कहलाता है। इसके बाद आ जाता है आपका गंधार ग्राम। गंधार ग्राम के विषय में संगीत शास्त्रों को बहुत कम जानकारी मिलती है क्योंकि नारद जी ने इसको स्वर्गवासी ग्राम के नाम से बताया है। कहा गया है कि गंधार ग्राम भूलोक से उठकर स्वर्गलोक में स्थित हो गया। वास्तव में ये निषाद ग्राम था लेकिन इसे गंधर्व लोग प्रयोग करने लगे, इसलिए इसका नाम गंधर्व पड़ गया। कहने का मतलब ये है कि जब पृथ्वी पर इसका इस्तेमाल नहीं हुआ, स्वर्ग के लोग इस ग्राम को इस्तेमाल करने लगे, तो इसको क्या कहते हैं, लोगों ने धीरे धीरे इसको गंधर्व का नाम भी दे दिया। संगीत के इतिहास में मध्यकाल में मध्यम ग्राम का भी लोप हो गया, पर अब आधुनिक समय में केवल षडज ग्राम ही प्रचार में रह गया ऐसा माना जाता है। इसके अलावा इसकी जानकारी संगीत ग्रंथों में भी कम मिलती है। ठीक है, जैसा कि अभी मैंने आपको बताया है कि किंवदंती के अनुसार देवलोक में गंधर्व इसका प्रयोग करने लगे, अतः इसका नाम गंधर्व अथवा गांधार ग्राम हो गया, तथा इसके विषय में यह भी कहा जाने लगा, यह स्वर्ग लोक में स्थित होने की वजह से इसको स्वर्गवासी कहा जाने लगा। गांधार ग्राम के अनुसार पहली श्रुति पर नी, चौथी पर सा, सातवीं पर रे, दसवीं पर ग, तेरहवीं पर म, सोलहवीं पर प तथा 19वीं श्रुति पर ध स्वर स्थित होता था। गांधार ग्राम का चलन प्राचीन काल में ही समाप्त हो गया था। तो ये बच्चों आपका यहाँ तक होता है क्या, ग्राम की डेफिनेशन कंप्लीट होती है। इसके बाद नेक्स्ट डेफिनेशन आपकी आती है मूर्छना। अच्छा, एक चीज और मैं बताती हूँ मूर्छना को शुरू करने से पहले ग्राम के बारे में भी। ये तीनों ग्राम आपने पढ़ा, आप इसको इस तरीके से भी समझ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि बताया गया है एक सप्तक में कुल 22 श्रुतियाँ होती हैं। निश्चित अंतर पर स्थित 7 चुनी हुई श्रुतियों पर 7 स्वरों की स्थापना की जाती है, इसे ग्राम कहते हैं। यदि किसी स्वर को एक श्रुति ऊपर या नीचे कर दें तो ग्राम बदल जाएगा। इस प्रकार हम जो 7 स्वरों की धुन सुनते हैं वो भी बदल जाएगी। इस ग्राम के हिसाब से गायन वादन बेहद कठिन हो जाएगा, इसीलिए प्राचीन ग्रंथों में तीनों ग्रामों का उल्लेख तो है किंतु गांधार ग्राम का वर्णन ने के समान है। मध्यकाल के समय से मध्यम ग्राम का चलन भी समाप्त हो गया। आज हम जो संगीत के 7 स्वर सुनते हैं
उसे षडस ग्राम कहते हैं। आज सप्तक के सभी 12 स्वर एक दूसरे के समान अनुपातिक दूरी पर स्थित होते हैं। आप इस तरीके से भी ग्राम को देख सकते हैं। अब आती है आपकी मूर्छना की परिभाषा। 7 स्वरों का क्रम युक्त चलन मूर्छना कहलाता है और मूर्छना की उत्पत्ति ग्राम से होती है। ग्राम के 7 स्वरों को क्रमशः सा मानकर 7 स्वरों का क्रमिक आरोह अवरोह करने से 7 विभिन्न मूर्छना पैदा होती है। संगीत दर्पण के अनुसार 7 स्वरों का क्रम से आरोह अवरोह करना मूर्छना कहलाता है। प्राचीन शास्त्रकारों ने अपने स्वरों का स्थान निश्चित करने के बाद मूर्छनाओं की रचना की। मूर्छना मूर्छ धातु से बना है जिसका अर्थ है चमकना या उभरना। अतः मूर्छना का तात्पर्य उस स्वरावली से हुआ जिसे सुनकर सब मोहित हो जाते हैं। भरत मुनि नाट्यशास्त्र में लिखते हैं, क्रमयुक्त 7 स्वरों के उतार चढ़ाव को मूर्छना कहते हैं। पंडित अहोबल जी भी इस प्रकार लिखते हैं, जब स्वरों का आरोह अवरोह किया जाता है तो उसे मूर्छना कहते हैं। मूर्छना की उत्पत्ति ग्राम से हुई थी, यानी ग्रामों से ही मूर्छना बनी। प्रत्येक ग्राम की 7-7 मूर्छनाएं होती हैं। इस प्रकार तीनों ग्रामों से 21 मूर्छनाएं बनती हैं। ये तो मध्यम और षडज की बच्चों पहले भी मैंने आपको बताई थी पंडित अहोबल जी के संगीत पारिजात में कि गांधार ग्राम को मिलाकर 21, इसको हम काउंट नहीं करते हैं। बचे षडज और मध्यम जिसकी 14 मूर्छनाएं होती हैं 7-7 वाली। गांधार प्राचीन समय में ही नहीं था गांधार ग्राम, तो इसलिए षडज और मध्यम की 14 मूर्छनाएं मानी जाती हैं। श्रीनिवास जी का कहना है, जब स्वरों का आरोह अवरोह किया जाता है तो पंडित जन उसे मूर्छना कहते हैं। उपरोक्त विवरण से यह स्पष्ट हो गया कि जब ग्राम के 7 स्वरों का क्रम अनुसार आरोह अवरोह किया जाता है तो उसे मूर्छना कहते हैं। कहने का मतलब ये है, जो भी आपको ऊपर मैंने सारा समझाया है, आप पढ़ भी रहे हैं, तो स्वरों के आरोह अवरोह का जो क्रम होता है उसे ही मूर्छना कहा जाता है। मूर्छना राग की जन्मभूमि है, इसी से राग की उत्पत्ति होती है। पंडित शारंग देव जी ने मूर्छना के 4 प्रकार बताए, ये पहले भी आप पढ़ चुके हो, क्योंकि उस समय शुद्ध स्वरों के अतिरिक्त 2 विकृत स्वर भी प्रचलित थे, गांधार और काकली निषाद। इसी आधार पर उन्होंने मूर्छनाओं को 4 भागों में बांटा था, शुद्धा, अंतर संहिता, काकली संहिता, अंतर काकली संहिता। बाद में क्या कहते हैं, इनको मिलाकर आजकल हम 3 ही देखते हैं, शुद्ध काकली संहिता, सहकाकली संहिता, अंतर काकली संहिता। इस तरीके से 4 को 2 में 3 में कन्वर्ट कर दिया गया। ये सारे हुए मूर्छना के बारे में जो आपने पढ़ा है। इसके साथ साथ जैसे यदि 7 स्वर से 7 स्वरों का क्रम आरंभ करें तो यह सा रे ग म प ध नी रूप में 7 स्वर की मूर्छना कहलाएगी। यदि 7 स्वरों का क्रम रे से शुरू हो तो ये रे ग म प ध नी सा रूप में रे स्वर की मूर्छना कहलाएगी। इसलिए इसका स्वरूप बिलावल थाट का न होकर काफी थाट का होगा। जैसे कि 1-2 एग्जाम्पल मैं आपको और बता रही हूँ, मूर्छना व थाट की तुलना करने से आपको समझ आएगा। आधुनिक स्वर समय में 7 स्वर की मूर्छना का स्वरूप बिलावल थाट का होता है। रे स्वर की मूर्छना का स्वरूप रे ग म प ध नी सा यानी काफ थाट के समान, कॉफी थाट के समान। और ग स्वर की मूर्छना का स्वरूप देखें तो ग म प ध नी सा रे थाट बहरवी के समान। मा स्वर की मूर्छना को देखें तो म प ध नी सा रे ग थाट कल्याण के समान है। पा स्वर की मूर्छना को अगर हम देखें तो प ध नी सा रे ग म थाट खमाज के समान है। नेक्स्ट आता है धा स्वर की मूर्छना देखें तो ध नी सा ग म प थाट आशावरी के समान।
नी स्वर की मूर्छना का स्वरूप उत्तर भारत में प्रचलित किसी भी थाट के समान नहीं है। ये तो कुछ मैंने आपको मूर्छना व थाट की तुलना के बारे में बताया है, इससे थोड़ा आपको समझ आ जाएगा। प्राचीन काल की जो मूर्छनाएं हैं आधुनिक मेल के समान थी, परंतु आजकल इनका प्रचलन लगभग समाप्त हो गया है। किंतु कुछ गायक, विद्वान गायक रागों में विचित्रता उत्पन्न करने के लिए मूर्छनाओं का अल्प प्रयोग करते हैं। अब आ जाता है बच्चों मूर्छना के लक्षण। मूर्छना के लक्षण में सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट आपका आता है, मूर्छना के स्वर क्रम अनुसार होते हैं। जैसे गा से शुरू मूर्छना के बाद आप मा पा धा नी सा स्वर ही आएंगे, इसी तरीके से अवरोह के स्वर भी क्रम अनुसार रहेंगे। कहने का मतलब ये है इसके स्वर क्रम अनुसार रहते हैं। अगर आप गा से मूर्छना शुरू कर रहे हैं तो गा के बाद वाले पहले आएंगे, जैसे ग म प ध नी सा रे, ये जो मैंने अभी आपको बताया था। सेकंड आ जाता है, मूर्छना ग्राम पर आश्रित होती है। ग्राम के स्वरों का आरोह अवरोह करने पर ही मूर्छना की प्राप्ति होती है। मीन्स कि जितनी भी मूर्छनाएँ ग्रामों पर आश्रित करती हैं, निर्भर करती हैं, और इनके जो स्वरों का आरोह और अवरोह है वो मूर्छना की प्राप्ति से ही प्राप्त होता है। नेक्स्ट थर्ड आ जाता है, मूर्छना का संपूर्ण होना आवश्यक है क्योंकि मूर्छना को राग का जनक माना जाता है। यदि मूर्छना संपूर्ण होगी तभी उसमें से संपूर्ण जाति के राग मिल सकेंगे। मीन्स कहने का मतलब है मूर्छना का कंप्लीट होना बहुत ज़रूरी है। अगर मूर्छना कंप्लीट नहीं होती है तो क्या है, प्रॉब्लम आती है। और मूर्छना इसीलिए होना आवश्यक है क्योंकि जो मूर्छना है वो राग को जन्म का जनक माना जाता है और जिससे संपूर्ण जाति के राग भी मिलने में आसानी होती है। नेक्स्ट पॉइंट आपका आता है, मूर्छना ग्राम के विशेष स्वर से शुरू होकर सात स्वरों तक जाकर फिर अवरोहित होती हुई उसी स्वर पर आकर समाप्त होती है। कहने का मतलब ये है कि अगर किसी एक विशेष स्वर से आप शुरू कर रहे हैं, जैसे मान लो आपने रे से शुरू किया, ठीक है, और फिर क्या होगी, सा तक जाएगी और फिर वापस अवरोहित होती हुई आरोहण में वो रे पर ही आकर समाप्त होगी। जैसे रे वाली, जैसे अभी आप देखते हैं, जैसे रे ग म प ध नी सा, अगर आप उस पे वापस आ रहे हैं ये तो आरोह हो गया इसका, और अगर अवरोह करते हैं सा नी ध प म ग रे, रे पर ही आकर ये ख़त्म होगी। कहने का मतलब ये है जिससे शुरू होती है उसी से ही ख़त्म होती है। तो ये मूर्छनाओं के कुछ लक्षण हैं। ठीक है बच्चों, अब क्या है, आधुनिक काल में जो मूर्छना है इसका इतना अधिक महत्व नहीं है क्योंकि षडज को ही प्रत्येक राग का मुख्य स्वर माना जाता है। ठीक है, जो षडज ग्राम है, आज भी कर्नाटक संगीत पद्धति में मूर्छना का तात्पर्य आरोह अवरोह से ही लिया जाता है। कुछ संगीतकार मींड लेने या कंपन करने को मूर्छना कहते हैं। अगर आप किसी राग में मींड और कंपन स्वर में ले रहे हैं तो वो उसको मूर्छना ही कहलाते हैं। वास्तव में आज मूर्छना का प्रचार नहीं है, और यदि है तो आरोह अवरोह के रूप में ही संगीतज्ञ इसका प्रयोग करते हैं। मीन्स कि आरोहण अवरोहण के थ्रू ही इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो बच्चों ये आपकी मूर्छना हुई। नेक्स्ट डेफिनेशन आपकी आती है गमक। अब सबसे पहले हम इसका मतलब देखेंगे, स्वरों का ऐसा कंपन जो श्रोताओं के चित्त को आनंद प्रदान करे गमक कहलाता है। मीन्स कि स्वरों का ऐसा कंपन जो सुनने वाले के दिलो दिमाग को पूरे तरीके से शांति, संतुष्टि, खुशी, आनंद प्रदान करे उसे गमक कहते हैं। संगीत रत्नाकर में गमक की व्याख्या इस प्रकार की गई है, स्वरस्य कंपो गमका श्रोत्र चित्त सुखावहा, अर्थात गमक ऐसे स्वर कंपन को कहते हैं जो श्रोता के चित्त को सुख प्रदान करता है। मीन्स कि श्रोता के मन को आनंद देता है, और गमक में स्वरों को एक विशेष रूप प्रकार से ही प्रयोग में लाया जाता है। इसके बाद आता है
गमक शब्द का प्रयोग प्राचीन काल में होता था और आधुनिक युग में भी होता है, मीन्स कि प्राचीन काल से चला आ रहा है, ये बंद नहीं हुआ। पुराने समय भी हम इसको यूज़ करते थे और आज भी हम इसको यूज़ करते हैं, किंतु गमक के प्राचीन और आधुनिक काल में अंतर आ चुका है। ठीक है बच्चों, अंतर जरूर है। प्राचीन संगीतकार स्वरों में एक विशेष प्रकार के कंपन को गमक कहते थे, कि जबकि आधुनिक संगीतज्ञ गमक की व्याख्या इस प्रकार करते हैं। कहने का मतलब ये है, जो हमारे प्राचीन संगीतकार थे, अगर वो स्वरों में एक विशेष प्रकार का कंपन कर रहे हैं तो वो उसी को ही गमक कहते थे। लेकिन आजकल इसका मतलब ये है, ये आपको दिया हुआ है यहाँ पर सारा, आप देखेंगे, जब हृदय से जोर लगाकर गंभीरतापूर्वक कुछ कंपन के साथ स्वरों का प्रयोग किया जाता है तो उसे गमक कहते हैं। मीन्स जब हम स्वरों को प्रयोग करते हैं और जो हमारी आवाज़ है, जो कंपन है, जो स्वर है, वो हृदय से निकलते हैं, ये एक विशेष प्रकार का स्वर का लगाव होता है। अतः ये ध्यान रखना चाहिए कि कोई वर्जित स्वर न लग जाए या बेसुरी ध्वनि ना निकले। कहने का मतलब ये है, जिन स्वरों का हम इस्तेमाल करते हैं, जिस स्वर कर रहे हैं, उन्हीं स्वरों का हम ध्यानपूर्वक ध्वनि निकालें और कोई एक्स्ट्रा स्वर उसके अंदर ना लगाएं, वर्जित स्वर जो किए गए हैं, और इसके साथ साथ जो वो ध्वनि है, जो आवाज़ आ रही है, वो बेसुरी नहीं होनी चाहिए। इसीलिए गमक का प्रयोग करने के लिए बहुत ज़्यादा तैयारी करनी पड़ती है। अब इसका प्रयोग कहाँ होता है? इसका प्रयोग सबसे ज़्यादा ध्रुपद गायन में होता है। ध्रुपद आप पढ़ चुके हैं। कोई कई गायक ख्याल गायन में भी गमक का प्रयोग करता है। इसके साथ साथ जो नोम तोम का आलाप का अंतिम भाग जो द्रुत लय में किया जाता है उसमें गमक युक्त ताने भी ली जाती हैं। गमक के कई प्रकारों का प्रयोग आज भी संगीत में होता है, किंतु अंतर उसमें इतना है, उन्हें हमने आधुनिक नाम दे दिए हैं, जैसे मींड, आंदोलन, जमजमा, सूत, गिटकरी, मुरकी, कण आदि। ये सभी गमक की श्रेणी में ही आते हैं। और प्राचीन काल में हमने गमक के 15 प्रकार बताए थे, जो इस तरीके से ये 15 प्रकार आपको नज़र आ रहे हैं। आजकल कहने का मतलब है, आधुनिक काल में हम इनको मींड, आंदोलन, जमजमा, सूत, गिटकरी, मुर्गी, कण आदि ये नाम कर रहे हैं, इन नामों से पुकार कर हम इस्तेमाल कर रहे हैं। और प्राचीन काल के 15 नाम हैं, तिरप, स्फुरित, कंपित, लीन, आंदोलित, वलित, त्रिभिन्न, कुरूला, आहत, उल्लासित, हुम्फित, मुद्रित, नामित, मिश्रित, प्लावित। ये पुराने प्राचीन 15 नाम हैं और इनमें से कुछ का प्रयोग हम आज आधुनिक संगीत में भी कर रहे हैं। इसमें से हम कुछ का प्रयोग केवल आधुनिक युग में भी कर रहे हैं, विशेषकर वाद्य संगीत में होता है। अब उन्हें गमक न कहकर स्वतंत्र नामों से पुकारा जाता है। दक्षिण संगीत में गमक के 10 प्रकार हैं, जो कि इस तरीके से हैं: आरोह, अवरोह, ढालू, स्फुरित, कंपित, आहत, प्रत्याहत, त्रिपुच, आंदोलित, मूर्छना। ये दक्षिणी संगीत में इनका नाम लिया जाता है। तो बच्चों, ये गमक की परिभाषा है। अब कुछ सिंपल वे में एक दो चीज़ें मैं आपको और बताती हूँ कि एक्चुअल में गमक होता क्या है। ठीक है, गमक जो है शास्त्रीय संगीत का आभूषण होता है। संगीत में किसी स्वर को अधिक रंजक तथा श्रुति मधुर बनाने के लिए उसमें उत्पन्न किए जाने वाला यह एक विशिष्ट प्रकार का कंपन होता है। मीन्स कि संगीत में अगर हम कोई स्वर दे रहे हैं, उसको और कर्णप्रिय बनाने के लिए, सुंदर बनाने के लिए, उसमें रंजकता प्रदान करने के लिए जो कंपन उत्पन्न किया जाता है एक विशिष्ट प्रकार का, उसको गमक कहते हैं। प्राचीन काल में गमक के 15 भेद बताए हैं, जो अभी आपको मैंने नाम बताए हैं, आपने पढ़े हैं, किंतु आधुनिक काल में ये भी मैंने बता दिए, कर्ण, स्पर्श, स्वर, हरकत, मुरकी, मीन, जमजमा, कृंतन इत्यादि नामों से किया गया है। ये ही विशेषताएं आलाप की कसौटी भी होती हैं। गायन में यह स्वरों का
गंभीरता से उच्चारण होता है, जबकि वादन में यह स्वरों का गंभीरता पूर्वक आंदोलन होता है। मींस कि कोई गायक गा रहा है तो अच्छे से गंभीर रूप से इनका उच्चारण करता है, और जब कोई इंस्ट्रूमेंट बजा रहा है तो इन स्वरों का गंभीरता पूर्वक उस पर आंदोलित करता है, आंदोलन देता है। यह संगीत का अलंकरण होता है। ठीक है, गमक के बिना गायन वादन जो है फीका लगता है। गमक का महत्व समय की सीमाओं से परे है। गायन वादन दोनों में यह संगीत को आकर्षण प्रदान करता है। तो शॉर्ट फॉर्म में आप ये भी कह सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है, जो गमक है, अगर हम इसका इस्तेमाल गायन वादन में नहीं करते तो संगीतकार को भी और श्रोता को भी मज़ा नहीं आता है। ठीक है, और ये किसी सीमा में बंधा हुआ नहीं है, ये अपनी सीमाओं से परे है, और गायन और वादन का एक आकर्षित बिंदु भी कहलाता है। तो बच्चों, यहाँ इसके साथ ही आपकी गमक की परिभाषा भी पूरी होती है। तो आप आज इन तीनों परिभाषाओं को, ग्राम, गमक और मूर्छना को, अच्छे से पढ़ेंगे, समझेंगे और इसको लर्न करेंगे। ठीक है बच्चों, ओके बच्चों, बाय बच्चों, हैव अ नाइस डे बच्चों, स्टे होम, स्टे सेफ, बाय।